वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज सेशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एम्ब्रियोलॉजी क्लास नंबर रहेगी सेकेंड। और आपने क्लास फर्स्ट के अंदर क्या देखा था? क्लास फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। क्लास फर्स्ट में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने क्लास वो नहीं देखी है तो उस क्लास को आप जरूर देखें। तो चलिए, आज की इस क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं अपना शानदार सेशन एम्ब्रियोलॉजी का। और आई होप आप सभी ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये शानदार सेशन। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म। क्या होता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की स्टडी को, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो बनने की स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट बात करें अपन इसके अंदर, जो एम्ब्रियो होता है वो देख सकते हैं, इसमें मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है, और एक होता है इसमें फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है दोस्तों, मेल होता है, फीमेल होता है। मेल गैमेट से क्या बनता है? मेल गैमेट से क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं। और मोस्ट मेल गैमेट से क्या बनता है? वो बनता है। आज की क्लास शॉर्ट रहेगी, स्वीट रहेगी। अपन इस क्लास के अंदर थ्योरी का मतलब ये नहीं होता कि हर कुछ ही पढ़ा दिया जाए। अपन ऐसी थ्योरी पढ़ाएंगे तो जिससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर किताब पे भरवाने वाला नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आपको देने वाला हूँ। अगर आपने इनके नोट्स बनाए, आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, स्पर्म के बारे में। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलिए सबसे पहले देखिए इसका काउंट जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो स्पर्म का जो काउंट है वो मोर देन 20 मिलियन पर एमएल। सबसे पहले बात करते हैं इसका काउंट, मोर देन 20 मिलियन पर एमएल। नेक्स्ट बात करते हैं जो स्पर्म होता है वो क्या करते हैं? जेनाइटल ट्रैक में इजेकुलेट करते हैं। जेनाइटल ट्रैक होता है, जेनाइटल ट्रैक क्या करते हैं? एजुकुलेट करते हैं, संकलन जिसे बोलते हैं, एजुकुलेट। इसके अलावा बात करें इसके बाद में क्या होगा, थाउजेंड ऑफ स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे, थाउजेंड ऑफ स्पर्म जो है वो पहुंच जाएंगे कहाँ पर? रिच हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में आपको कल मैंने बता दिया था, फैलोपियन ट्यूब पहुंच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। वहां से फैलोपियन ट्यूब से 200 से 500 जो है वो ओवम के पास जाते हैं, जो है ओवम के पास जाते हैं, ओवम के पास। फर्टिलाइजेशन ओवम के पास जाएंगे, देन क्या होगा? देन क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। तो जो प्रक्रिया है आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ये जो प्रोसेस है
डेनाइटल ट्रैक के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, ट्रैक के अंदर प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को एप्रिसिपिएशन कहते हैं। एप है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन की बात आई है तो क्या होता है कैपेसिटेशन, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कैपेसिटेशन रेडी टू फर्टिलाइज द एग, स्पर्म होता है वो रेडी रहता है, रेडी टू फर्टिलाइज, फर्टिलाइज द एग, फर्टिलाइज द एग, रेडी रहेगा फर्टिलाइज द एग को फर्टिलाइज करने के लिए कहेगा। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन और क्या होता है? ये फिजियोलॉजी फिजियो केमिकल चेंजेस होता है स्पर्म के अंदर। क्या होता है? फिजियो केमिकल जो केमिकल चेंजेस उनका फिजियोलॉजिकल चेंजेस। चलिए नेक्स्ट अपन इसको आगे लेकर चलते हैं, नेक्स्ट अपन इसको आगे लेकर चलते हैं। कैपेसिटेशन से अपन वापस शुरू करते हैं। कैपेसिटेशन हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। आप कंटिन्यू करना, वहां से ऊपर से कंटिन्यू करना। कैपेसिटेशन अब आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होगी? सरफेस ऑफ द ओवम, कवर द ओवम का सरफेस होता है, सरफेस ऑफ ओवम कवर विद, कवर विद हाइलूरोनिक, तो हाइलूरोनिक कवर होता है, हाइलूरोनिक सरफेस ऑफ द ओवम कवर विद हाइलूरोनिक, हाइलूरोनिक इज एंजाइम इन एक्रो, और जो स्पर्म होता है स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम स्पर्म के एक्रोसोम में, एक्रोसोम में क्या होता है? हाइलूरोनिडेज, हाइलूरोनिडेज, हाइलूरोनिडेज एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? सरफेस को ब्रेक करेगा। वंस फ्रॉम एंटरिंग फॉर्म, सरफेस ब्रेक होगी तो वंस फ्रॉम जो है वो एंटर कर जाएगा, हम कर जाएगा ओवम में एंटर कर, जैसे ही एक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएगा, ओलिमा ब्लॉक क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा कि आफ्टर द एंट्री ऑफ इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएंगे और ओलिमा ब्लॉक इसमें देखने को मिलेगा, क्या ओलिमा ब्लॉक क्या ओलिमा ब्लॉक, तो क्या कहलाएगा ओलिमा ब्लॉक जो है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा जोना हार्डनिंग या जोना रिएक्शन, आल्सो नोन एज जोना हार्डनिंग या फिर जोना रिएक्शन, या फिर इसको जोना हार्डनिंग या फिर ये जोना रिएक्शन क्या, जोना हार्डनिंग और ओलिमा ब्लॉक क्या काम करते हैं? ये जो है ओलिमा ब्लॉक और ये जोना हार्डनिंग है, ये मिलकर क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी,
पुलिस कर्मी का मतलब है एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को ये रोक देते हैं, ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं होने देते। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके अंदर, ये नेक्स्ट चलेगा, फिर ये चलेगा सेकंड, सेकंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। अब क्या होगा, अब एक तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है, एक तो क्या बनता है आपको बता देता हूँ, एक तो बनेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस, और एक बनेगा सेकंड पोलर बॉडी, क्या सेकंड पोलर बॉडी। के बाद क्या होगा, तो ये बना है फीमेल प्रो न्यूक्लियस बना है, ये क्या बना देगा, ये जाइगोट बना देगा, जाइगोट बना देगा, क्या बना देगा दोस्तों, ये जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट के बारे में इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं कि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट से रिलेटेड क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। जाइगोट है, जाइगोट बन गया, जाइगोट सबसे पहली चीज, जाइगोट जो होता है मैं आपको बता दूं कि जीरो से बनने में कितना समय लगता है, जीरो से दो वीक, जीरो से दो वीक का समय लगता है बनने में, बनने में समय लगता है। इसके अलावा जाइगोट जो होता है, जाइगोट फर्टिलाइज जो एग होता है उससे कहते हैं जाइगोट, आल्सो नोन एज फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड जो एग है वो क्या कहलाएगा, सिंगल सेल स्टेज होती है, क्या होती है, सिंगल सेल। इसके अलावा डिप्लोइड सेल होती है, डिप्लोइड नहीं होती, क्या होती है, डिप्लोइड होती है, डिप्लोइड होती है, डिप्लोइड सेल। जाइगोट जो होता है वो डे जीरो पर, डे जीरो जाइगोट, डे जीरो। और इसके अलावा जो जाइगोट है, और इम्पोर्टेंट चीज, जाइगोट जो है वो 14 से 15 दिन एलएमजी बन, 14 से 15 दिन लास्ट मेंशन, 14 से 15 दिनों बाद क्या होता है, ये जीरो से दो वीक। नेक्स्ट जाइगोट की कहानी आगे चलेगी, जाइगोट की कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना प्लीज, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाइगोट, जाइगोट है, इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट के अंदर, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है, यस माइटोसिस होगा, तो क्या बनेगा, ये टाइम कितना लेगा, ये जो टाइम लेता है वो 36 घंटे का लेता है, 36 आवर, ठीक है। जाइगोट दो सेल स्टेज का फॉर्मेशन करेगा, जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर जिसे कहते हैं। ये जो ब्लास्टोमियर है इसके अंदर कितनी सेल होती है, ब्लास्टोमियर के अंदर दो सेल होती है, ठीक है, ये ब्लास्टोमियर कहलाएगा, टू सेल स्टेज। फिर इसमें क्या होगा, आगे आगे फर्दर इसमें डिवाइडेशन होगा, वहां से ये चार सेल स्टेज बनेगी, फोर सेल, फिर और डिवाइडेशन होगा, आठ सेल,
और फिर फर्दर इसमें डिवाइडेशन होकर ये बना लेगा 16 सेल। नहीं भैया, 16 सेल। और ये जो 16 सेल वाला होता है इसका नाम है क्या, इसे कहते हैं मोरूला। ये मोरूला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 16 सेल स्टेज जो है उसे क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। इसमें समय कितना लगता है, अगला क्वेश्चन बन गया, इसमें टाइम कितना लगता है। टाइम ड्यूरेशन बात करें तो 96 आवर लगते हैं, 96 आवर बोल दो, या 3 से 4 दिन का समय लगता है, 3 to 4 डेज का समय लगता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो ये मोरूला है दोस्तों, अब ये जो मोरूला है, मोरूला ये क्या होगा, अप टू फॉर्मेशन ऑफ मोरूला इनटू फेलोपियन ट्यूब। ये मोरूला बन गया फेलोपियन ट्यूब में, अब मोरूला ट्रांसफर होगा यूटेराइन कैविटी में। मोरूला ट्रांसफर इन यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या होगा, मोरूला का ट्रांसफर होगा। अब ये मोरूला ट्रांसफर हो गया यूटेराइन कैविटी के अंदर, यहाँ से क्या होगा, जोना पेलिसुटा जो है, जोना पेलिसुटा है वो डिसअपियर होगी। जोना पेलिसुटा तो अंदर की लेयर है, अब वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर। जोना पेलिसुटा क्या डिसअपियर हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोना पेलिसुटा का डिसअपियर होना क्या कहलाएगा, जोना हैचिंग कहलाएगा। क्या भैया, ये क्या होगा, जोना हैचिंग, क्या कहलाता है, जोना हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, जोना हैचिंग कहलाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट। अब ये क्या, ये हो गया ये ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की मैं बात करूं तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल सेल विद म्यूकस कवरिंग, ये फोर्थ फिफ्थ डे फर्टिलाइजेशन से, ये पांचवें दिन फिफ्थ डे पर, फिफ्थ डे फॉर्म बनता है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये क्या होगा, इम्प्लांट होगा, निडेशन जिसे कहते हैं, निडेशन, निडेशन किसे कहते हैं, इम्प्लांटेशन, निडेशन, निडेशन बोल दो या इम्प्लांटेशन बोल दो, इम्प्लांटेशन बोल दो या निडेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूज होगा ब्लास्टोसिस्ट विद डेसिडुआ के साथ, फ्यूजन होगा इसका, फ्यूजन ब्लास्टोसिस्ट विद डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ, डेसिडुआ जो होता है प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट की एंडोमेट्रियम, देख लीजिए एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, वो डेसिडुआ कहलाती है, डेसी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, डेसिडुआ कहते हैं प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है, तो आप लाइक करें और क्लास को कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। अगर आपको जीएनएम भर्ती संविदा वाली में सिलेक्शन चाहिए या स्टाफ नर्स की कोई भी भर्ती हो जिसमें आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है, कुछ की पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ यहाँ पर एक बार शेयर करता हूँ, की पॉइंट शेयर करता हूँ, आरएनए की पॉइंट।
वो क्या होंगे, सबसे पहले बात करेंगे अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंडोमेट्रियम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आंसर कर दीजिए, डेसिडू, डेसी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर की ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, ये कहलाता है हार्टमान साइन, क्या हार्टमान साइन है वो कहलाता है। अब हार्टमान साइन जो है वो तो होता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। अब हार्टमान से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जिसे मैं बोल सकता हूँ, हार्टमान सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, हार्टमान सॉल्यूशन कौन सा होता है और हार्टमान जो है प्रोसीजर कौन सा होता है के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हार्टमान जो सॉल्यूशन है फ्रेंड, हार्टमान जो सॉल्यूशन है वो होता है आरएल, जो होता है उसे कहते हैं क्या, रिंगलर लैक्टेट, आरएल को इंपोर्टेंट है। और प्रोसीजर जो होता है वो होता है क्या, प्रोक्टोसिग्मोइडोएक्टोमी, क्या प्रोक्टोसिग्मोइडोएक्टोमी, सिग्मोइडेक्टोमी, ये प्रोसीजर होता है हार्टमान प्रोसीजर, ये हार्टमान सॉल्यूशन होता है, ये हार्टमान साइन। नेक्स्ट इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट के जरिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक और है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है और कंप्लीट कब होता है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट कब होगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है सिक्स एंड सेवन डे, सिक्स और सेवन डे या आफ्टर फाइव डे, ठीक है। और कंप्लीट कब होता है, कंप्लीट कब होता है फ्रेंड, कंप्लीट होता है टेन टू इलेवन डे, टेन टू सेवन डे कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि स्पर्म की बात करी थी, नहीं फिर देख लेते हैं की पॉइंट के माध्यम से। जो स्पर्म है, स्पर्म की लाइफ स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है और ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है, ओवम का लाइफ स्पान इन फैलोपियन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पर्म का जो होता है दोस्तों वो कितना होता है बताइए, बताइए 36 से 48 घंटे का होता है स्पर्म, और ओवम जो होता है 12 से 24 इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट अपन नेक्स्ट चलते हैं, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, अब जो है वो जो ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हुआ है तो वो आगे जाकर क्या करेगा, तो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट वो इम्प्लांट हो चुका है, अब उसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट से क्या होता है, इसका आउटर सेल मास, आउटर सेल मास और ये इनर सेल मास में डिवाइड होगा, सेल मास डिवाइड हो गया,
के बाद क्या होगा, इसे इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी तो है आउटर सेल मास को, और क्या कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म, क्या कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म, और क्या कहते हैं इनर सेल मास को, और क्या कहते हैं इनर सेल मास को, इनर सेल मास को इनर सेल मास ही कहते हैं। अब ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है ये क्या करेगा, ये फर्दर डिवाइड होगा आउटर और इनर में, आउटर में और इनर के अंदर। आउटर है ये सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है, क्या सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये जो होता है सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, स्टार लगा लेना दोस्तों, एससीजी फॉर्मेशन करता है। एससीजी क्या होता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, फॉर्मेशन एससीजी का फॉर्मेशन होता है, एससीजी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, सॉरी साइटोट्रोफोब्लास्ट है, वो क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है साइटोट्रोफोब्लास्ट, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा बात करें अपन इसके अंदर एससीजी जो है, ये एससीजी जो है आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, इसके अंदर एससीजी के अंदर 7 दिन बाद तो 7 डे आफ्टर आफ्टर ये डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट इन यूरिन, यूरिन के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर 7 दिन के अंदर। मान के चलो कि अगर अनप्रोटेक्टेड जो है इंटरकोर्स हुआ है, तो अगर अपने को पता लगाना है कि जो है प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई, तो 7 दिन के बाद आप जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर 8-9 दिन के बाद आप यूपीटी कर सकते हैं। 9 डे आफ्टर डिटेक्ट इन यूरिन, यूरिन के अंदर भी डिटेक्ट हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट था। अब एक और ऊपर से छोड़ के आया हूँ, इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो किसका फॉर्मेशन करता है, इनर सेल मास जो है किसका फॉर्मेशन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो का, क्या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का ये एम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन, फॉर्म और एम्बिलिकल ये बनाता है। देन अपन कुछ और इम्पोर्टेंट इसके पार्ट अपन है जो आगे की पॉइंट के माध्यम से देखने वाले हैं, चलिए कुछ की पॉइंट्स अपन देख लेते हैं, पीछे भी अपन ने कुछ की पॉइंट देखे थे, अब कुछ की पॉइंट और देखते हैं। सबसे पहला की पॉइंट क्या रहेगा, स्टार लगा लीजिए, सबसे पहला की पॉइंट कि सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट एससीजी का फॉर्मेशन करता है, तो एससीजी फॉर्मेशन इससे होता है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा क्या, एससीजी का जो फॉर्मेशन है वो सिन साइटो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन से होता है, बता दीजिए जरा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे, साइटोट्रोफोब्लास्ट,
लास्ट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन से होता है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मास से। इम्पोर्टेंट है तो आप अच्छे से रेड आउट कर लीजिए दोस्तों। तो इम्प्लांटेशन है वो सातवें दिन पर होता है, याद रखना प्लांटेशन, प्लांटेशन जो है वो सेवंथ डे पर होता है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन एम्ब्रियोलॉजी। तो आई थिंक यही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो आगे अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर नेक्स्ट अपन लेकर आएंगे अपना जो टॉपिक होगा वो लेकर आएंगे। और अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक वो मैं आपको बाद में करवाऊँगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बार अपन कर लेते हैं। और उसके बाद अपन शायद नेक्स्ट जो सेशन होगा वो प्लेसेंटा का होगा, प्लेसेंटा प्लेसेंटा का नेक्स्ट सेशन होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आप धमाधम इस पर लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक। और आपकी सभी की डिमांड थी सर आप थ्योरी क्लास करवाओ, तो थ्योरी क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास के बाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट राजेंद्रा नर्सिंग अकेडमी। आप सभी के सपोर्ट से जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको भी आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।